अगर इस व्लॉग को आप स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कोई पीएमसीएम से कम बिजी नहीं है। मतलब इतना काम एक दिन में कैसे हो सकता है, आपको पता चल जाएगा। रेडी? चलो 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 मैं चलो हमारा आज डे का प्रोग्राम है। हम लोग आए हैं मंदिर में। अनिर्बान ठीक होने के बाद एक दिन पूजा देना तो बनता है ना, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है ना भगवान के वजह से, मतलब दो तीन दिन लेट हो जाता तो मैं बताना नहीं चाहती। और मम्मी तो दिखाई नहीं दे रही है, मम्मी हमेशा साइड में बैठती है तो दिखाई नहीं देती है। उसके बाद मम्मी का एक काम है, उसके लिए जाना है। फिलहाल हम लोग घर से खाना बना के भी लेके आए हैं, तो चलो पहले पूजा दे देते हैं, ठीक है। हम लोग इस मंदिर पे और पहले आने का प्लान बनाए थे, गाड़ी लेने के बाद। हाँ, गाड़ी पूजा के लिए, पर उस टाइम पे मंदिर बंद था। आपको तो पता है हम लोग ग्रेट है, हम लोग लॉकडाउन में गाड़ी लिए थे, मतलब उस हम एक दिन पहले, हाँ 6 घंटा पहले लिए थे। कोई आइडिया नहीं था कुछ ऐसा, किसी को भी नहीं था। इधर पे ये एक मंदिर है और वो वाला एक मंदिर है, ये शिव मंदिर है, इसमें जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद इस मंदिर में भी आएंगे, पर अलाउड नहीं है कैमरा आई थिंक। पूजा देना हो गया और मेरे क्या बोलूँ, ऐसे लगाया ना बिंदी अनिर्बान ने। अनिर्बान का देखो कितना अच्छे से मैंने लगाया, और मेरा वाला देखो, अब मैं तो ठीक किया, ऐसे ना ऐसे आँख में आ रहा था ऐसे पानी। मैंने आँख में क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे कैसे से हो रहा है ना, वो सिंदूर का पानी रहता है ना पूरा, ऐसे ऐसे हो गया। एक भी काम ये ठीक से अगर कर पाए तो हो सके। दरवाजा बंद नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग अभी खाना खाएंगे। वाह, खबर का दाम कॉस्मेटिक को था फील सैनिटाइज करे नहीं। ये है चटनी। पानी टिश्यू पेपर सब लेके आई हूँ, किसी की कमी नहीं रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मम्मी का बैंक, क्योंकि मम्मी को वो पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करना है ना, नवंबर मंथ तक रहता है। पर अभी सुन रही हूँ कि दिसंबर तक ये एक्सटेंड हुआ है। सो चलो चलते हैं, इधर से दूर नहीं है ज़्यादा, 3-4 किलोमीटर है, पर हमें पेट्रोल भी भरवाना है। अभी 110 किलोमीटर ही चलेगा गाड़ी, इससे पहले भरवा लेना है। मम्मी ने एक गजब काम किया, मम्मी का जो फिंगरप्रिंट है ना वो मैच ही नहीं हो रहा था मम्मी का फिंगरप्रिंट। क्या बोलते हैं वो, स्कैन करते हैं ना, मम्मी आई थी लाइफ सर्टिफिकेट फील करने,
तो हम बोल रहे थे कि मम्मी कुछ और वाला उंगली लगाओ, पर मम्मी लगा ही नहीं रही थी तो नहीं हो रहा था उसी लिए। पर अल्टीमेटली हो गया। उसके बाद मेरा भी एक बैंक का छोटा सा काम था, वो भी कर लिया। फिर अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हॉस्पिटल फिर से गया, क्योंकि अनिर्बान को ना एक स्टिचेस में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा वो फूल गया है, थोड़ा सा स्टिफ है, तो डॉक्टर को समझा नहीं पा रहा है। डॉक्टर बोले कि नॉर्मल है, पर उसको डिस्कम्फर्ट है, तो हम बोल रहे हैं कि चलो एक बार दिखा के आते हैं, कंफर्म हो के आते हैं कि वो नॉर्मल है। अभी हम कुछ चीज़ों में रिस्क नहीं ले सकते, है ना। सो चलो मम्मी को ड्रॉप करना है घर, फिर जाएंगे। अच्छा এখানে অপোজিটে একটা ছিল না পেট্রোল পাম্প? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানটাতে। ওখান থেকে যাবে কি নাকি আমরা? না ইউটার্ন তো নিতেই হবে, তো ওখান থেকে নিয়ে নাও। সব ব্যাগ থাক, শুধু তোমার ব্যাগটা নিয়ে যাও। চাবি না বলো? চাবি আছে তো ব্যাগে। থাক থাক, এই ব্যাগটা নিয়ে যাও না, কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে যাও। কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে যাব? হ্যাঁ এটা নিয়ে যাও, এটা তো ভারী না, ভারী এটা? না না এটা নিয়ে চলে যাও, বাকিগুলো আমি দেখে দেব। मम्मी को थोड़ा सा आगे ही उतरना पड़ा, क्योंकि हमारे जो गली है ना उसमें अभी वोट चल रहा है ना, है ना, इलेक्शन का कुछ कैंपिंग हो रहा है, तो गाड़ी लेके जाना मतलब बहुत टाइम लग रहा है। और थोड़ा सा ही है, दो तीन मिनट मम्मी पैदल चली जाएंगी। मम्मी को पता भी है, बहुत दिन बाद आज मम्मी को शादी ना था फ्रीडम मिला है अकेला चलने का 8 महीने बाद। और अभी हम लोग जा रहे हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। अनिर्बान को अभी मुझे दवाई देना है, पेट्रोल भरा लिया है, आके नहा के उसको काम पे भी बैठना है। तो मैंने बोला था ना कि हम लोग PMCM से भी ज़्यादा बिजी है, तो आपको लग रहा है ना वैसा, ऐसे ही है हम लोगों का, है ना। अभी हम लोग इस बार सोचे थे कि और ऑयल भरने का ज़रूरत नहीं होगा शायद। साढ़े 12 और अभी हम एंटर करने वाले हैं हमारा सेकंड होम AIG पे, क्योंकि मैं एक डेढ़ महीने में हम कम से कम 10-12 बार आ चुके हैं। तो मम्मी ने क्या खाना बनाया है देखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं। तो ये तो सलाद है, ओनली क्यूकम्बर और टमाटर का, मसूर दाल है ये शायद, माँ मुशरी डालना। और ये क्या है, ये मुझे पता है, बहुत दिन बाद अंडा कड़ी और लंका। तो एक्चुअली हम लोग कपड़े भी धो रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी कपड़े सुखा लेना है कल से पहले। अनिर्बान का तो तबीयत फ़िलहाल ठीक है, पर मेरा तबीयत, मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। एज यू नो दैट अनिर्बान की तबीयत की वजह से मैं पिछले 2 मंथ से जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया था। और नॉट ओनली स्ट्रेस, हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें हम लोग स्पेशली कोरोना के टाइम से जो है ना हमारा डाइट चार्ट एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कम होने लगा है, हम लोग जंक घर पर ही बना के खाने लगे हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ गया है, और बहुत सारे लोगों को तो सीजन चेंज में भी हेयरफॉल होता है। मेरा इतना हेयरफॉल हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ, कभी मैं घर का झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो इतना इतना हेयर आता है। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, वही पुराना सा सुंदर सा बाल मुझे वापस चाहिए। सो मैंने देखा कि हेयर के लिए जो है ना बायोटिन बहुत अच्छा एक विटामिन होता है, तो ओजीवा का प्लान बेस्ड बायोटिन मैंने ऑर्डर किया था। पिछले कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ओजीवा क्यों, क्योंकि ओजीवा जो है ना वो प्लान बेस्ड है और इसमें वो खतरनाक केमिकल चीज़ें नहीं रहता है, जो एक्चुअली अच्छा होता है आपके लिए।
और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पेशली इस प्रोडक्ट में आपको बताती हूँ। इसमें सेजबनिया अगती है जो हाई इन बायोटिन है, और क्या होता है कि बायोटिन आपके हेयर, नॉट ओनली फॉर हेयर, आपके नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के नेल्स जो है ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें बैम्बू एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलिका होता है और आपके हेयर को शाइनी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, रीग्रोथ आता है। इसके अंदर आंवला है जो आपको पता है आंवला विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी हमारे स्किन, हेयर, नाखून, हमारी बॉडी इम्यूनिटी सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर पामग्रेनेट भी है जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ये भी आपके हेयर फॉल को रोकता है, ये एंटी एजिंग होता है। आपकी एज जितना बढ़ने लगेगा ना सारे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी आने लगेगा, और जब आप एजिंग को रोक लोगे ना तो सारे प्रॉब्लम खलास है ना। सो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे पीना है। आप 150 या 200 ml पानी के अंदर 1 या 2 स्कूप ये प्लान बेस्ड बायोटिन डाल के इसका जस्ट शेक करके आप पी सकते हैं, और ये आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। यम्मी जैसा है, और इसका खुशबू थोड़ा सा सॉफ्ट मूडी जैसा है। तो कैसे इसको आपको यूज़ करना है और कैसे इसको आपको बनाना है, सारे इंस्ट्रक्शन ये वाले जो आपको कंटेनर मिलता है उसके अंदर रहता है। सो इन केस आपको भी चाहिए, आई नो सब लोग आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, इन केस यू वांट यू कैन चेक इट आउट। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, AIG में हम लोग गए थे। बस फर्स्ट बता दूँ कि AIG हम क्यों गए थे, क्योंकि अनिर्बान का एक स्टिच ना नीचे से थोड़ा सा ऐसा हर्ट था, तो उसने पहले डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आज फिर हम सोचे कि नहीं एक बार दिखा के आते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला उधर क्लॉट जैसा है तो वो ऐसे ही कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अगर आए हो तो मैं आपको मेडिसिन भी दे देता हूँ, तो जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। पर हम लोग जब AIG में गए तो एक भैया आके मुझे मिले और बोले कि आप मोनुषिता हो, ग्लैम विद मी व्लॉग बनाते हो, मेरे फ्रेंड आपका व्लॉग चेक करती है, पूजा सिंह उसका नाम है, उन्होंने मेरे फोन मुझसे फ़ोन पे भी बात किया, सो स्वीट, थैंक यू सो मच कि इतना प्यार देने के लिए। हम ज़रूर मिलेंगे, उनसे मेरे बात हुआ था, वो जोधपुर में रहती है और एक्चुअली जोधपुर में मेरा सर का घर है, तो डेफिनेटली मैं कोलकाता जाऊँगी तो उनसे मिलूंगी। तो आप मुझे मेल करना, मैं जिस दिन जोधपुर जाती हूँ मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊंगी तो नहीं, पर ये ज़रूर बताऊंगी कि बहुत बड़ा एक सरप्राइज आने वाला है नेक्स्ट या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस और 2 दिन की इंतज़ार, उसके बाद इतना बड़ा सरप्राइज है ना कि आप सच में चौंक जाओगे। अब सोचते रहो, इस वीडियो को मैं इधर एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।